मानसी राठौर डिजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणों का वास धान मंडी रतलाम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405348। तेईस तारीख की शाम को घर से 2 घंटे का कहकर बाजार गई महिला की 3 दिन बाद मिली लाश। लाश मिलने के बाद पुलिस ने किया हत्या का प्रकरण दर्ज। पुलिस अधीक्षक ने रचना उपाध्याय की हत्या के मामले में किया खुलासा। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। अभी संबंधों को लेकर हुई थी रचना उपाध्याय की हत्या। विकास के नाम पर लोगों के साथ हुई ठगी। पिंजरा पोल से मोजीपुरा चौराहे तक सड़क की दयनीय हुई हालत। सड़क बनाने के नाम पर जो थी उसको भी ठेकेदार ने खोदा। महीनों से खुदी हुई सड़क कर रही ठेकेदार व जनप्रतिनिधि का इंतजार। बारिश में क्षेत्रीय रहवासियों को करना पड़ सकता है मुसीबत का सामना। रहवासी दे रहे विकास के नाम की दुहाई। दोस्तों के साथ झामन तालाब पर नहाने गए युवक की गहराई में चले जाने से डूबने के कारण हुई मौत। पुलिस व एनडीआरएफ के जवान करते रहे देर रात तक युवक की खोज। 18 घंटे बाद मिला युवक का शव। तेईस तारीख की शाम को अपने घर वालों से 2 घंटे में वापस आने का कहकर बाजार के लिए गई महिला की घर वापस नहीं पहुंचने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट औद्योगिक थाने में दर्ज की थी। वहीं 3 दिन पश्चात महिला का शव माही नदी में मिला था, जिसके बाद समाजजनों ने महिला के हत्यारों को गिरफ्तार करने व कड़ी सजा देने की मांग करते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन एएसपी राजेश खाका को सौंपा था। पुलिस निरंतर हत्यारों की तलाश में जुटी थी। 50 से अधिक सीसीटीवी खंगालने व साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उक्त हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। 39 साल की रचना उपाध्याय के अंधे कत्ल को लेकर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे थे, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए मृतिका रचना घर से जो स्कूटी लेकर निकली थी उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो अवैध संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए कहा, उसकी गुमशुदगी कायम होती है। उसके बाद फिर झाबुआ में 25 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है। पेटलावा थाना पड़ता है, करवट करके एक चौकी है, वहाँ पर लाश मिलती है। और उसके बाद में वो पीएमए होने के बाद में उनके द्वारा 31 तारीख को 31 मई को वहाँ पे 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। उसी बीच में हमारे संज्ञान में आया कि इसे सर्गे की लाश मिली है, जो कि यहाँ की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से मिलान खा रहा है। उसका होलिया और बाकी आइडेंटिफाई करने के लिए उनके परिवारजन जो है वो 28 तारीख को यहाँ पे आए भी थे। आइडेंटिफाई हुआ कि भाई ये जो है वो वही महिला है जो यहाँ से मिसिंग हुई थी। तो उसी बीच में हम लोगों के द्वारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरे जो शहर में लगे हुए हैं अभी वो लगभग 45 से 50 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके अंदर जो अभी नए हमारे कैमरे लगे हुए हैं शहर के अंदर जन सहयोग से, उसका काफ़ी इस्तेमाल भी किया गया। महिला की लोकेशन जो है वो एक संतोष राव करके व्यक्ति है, उसके साथ में हकीमवाड़ा के पास में लास्ट लोकेशन उसकी दिखी थी जब उसका मोबाइल वगैरह बंद हो गया था 23 तारीख को। तो उस टाइम पे उस व्यक्ति के साथ में वो स्कूटी पे जाना जाते हुए दिखी, और उसके बाद में जब उसको आगे परस्यू किया गया तो पता चला कि वो आगे जो है वो कालिका माता के आसपास में कहीं पर उसको लेके गया। व्यक्ति को वापस जब उठाया गया और पूछताछ की गई तो उसके अंदर मर्डर का जो है वो खुलासा हो गया। उसके द्वारा जो है वो एक्सेप्ट किया गया कि उसके द्वारा ही उसका मर्डर किया गया है। काफ़ी अलग अलग जगहों पे जाती थी वो, देह व्यापार के हिसाब से भी मतलब अलग अलग जगहों पे जाना आना उसका था। उसके बाद में इस व्यक्ति के साथ में संतोष राव के साथ में इसकी 1 साल से पहचान थी और बार बार उसके साथ में जाती रही है। इस बार भी उसको उसकी फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद में फिर वो उसको मिलने के लिए गई। मिलने के लिए जाने के बाद में ये लोग जो है वापस है कि उन्होंने वहाँ पर कालिका ये जो अपना अम्बेडकर ग्राउंड है उसके सामने एक खाली मकान है पूरा, ये एक बोरा का है, वो अभी वहाँ पर है नहीं। उसके आदमी के सलमान नाम का व्यक्ति है, उसके भरोसे उसको छोड़ कर रखा हुआ है। तो उससे उसने संपर्क किया, पैसे दे के उसको रेंट पर लिया, वहाँ पर वो महिला को लेके गया और उसके बाद में फिर वहाँ पर इन लोगों की जो है वो आपस में कहा सुनी हुई।
खास उनकी इस बात से हुई कि उस महिला का जो है वो किसी और व्यक्ति के साथ में भी कुछ संबंध है, तो उसको लेकर आपस में इनका झगड़ा हुआ। महिला ने उसको बोला कि वो 3 साल से उसके साथ में बातचीत कर रही है और इसके साथ में 1 साल से। तो इस चीज़ को लेकर जब वो खास में बढ़ गई आगे, तो संतोष राव जो आरोपी है उसके द्वारा महिला का गला दबा दिया गया, गला पकड़ लिया गया, और वो देखते ही देखते जो है वो महिला की डेथ हो गई। उसके बाद में जब इन लोगों को लगा कि अगर इसकी डेथ हो गई उसको कि भाई वो अगर जग जाए या डेथ नहीं हुई हो, मगर जब उनको पता चला कि डेथ हो गई, तो उसके बाद जो सलमान करके व्यक्ति था उस हवेली का, तो उसकी मदद से सबसे पहले इन्होंने उसकी जो स्कूटी थी उसको ठिकाने लगाया, खाचरोद में लेके गए रात में। लगी घटना जब उसकी डेथ हुई है वो 7:30 बजे की घटना है लगभग, हाँ रात में 23 तारीख को 7:30 बजे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में फिर उन्होंने स्कूटी लेकर वो खाचरोद में खाचरोद की तरफ लेके गए। वहाँ पर खाचरोद में उज्जैन दरवाजा के साथ में वो स्कूटी की जो नंबर प्लेट थी उसको भी तोड़ के फेंका है। पुलिस ने वो रास्ते में जो पूरा तफ्तीश करी उसके अंदर मोबाइल का वो स्क्रीन जो टूटा हुआ था वो मिल गया है, उसको अलग से हम लोग जब्ती कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये वापस आए, वापस आने के बाद में जो संतोष राव है वो लोडिंग वाहन चलाता था, तो उसने अपनी लोडिंग वाहन जो है वो लेके आया और उसके बाद लाश को उसके अंदर डाल के और उसके बाद फिर वो जो है वो माही नदी की तरफ लेके चला गया। ये अपना करमदी सालाखेड़ी रूट से सीधा आगे जाते हुए माही नदी के पास में, तो वहाँ पर उसने वो बॉडी को जो है वो डिस्पोज कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम था। और उसके बाद में फिर जब ये हमारे संज्ञान में आया है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, अभी ये पूरे सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम लोगों ने पैसेंट की सर्टिफिकेट के साथ में डिजिटल एविडेंस के रूप में ले लिए हैं। घटनाक्रम के टाइम पे जब ये महिला घर के अंदर गई है, तो घर के अंदर जाते हुए भी बाहर के वो सीसीटीवी कैमरे में उसने कैप्चर किया है कि महिला जाते हुए दिख रही है उस व्यक्ति के साथ में। और भी आगे हम लोगों के पास में घर के आसपास जो पेरिफेरल एरिया में भी कैमरे लगे हुए थे उसके फुटेजेस भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। घटना को जो है वो चिन्हित में रखा जाएगा सनसनीखेज मामले के अंदर, और जल्द से जल्द इसका जो है वो ट्रायल करके इसमें सजा करने का प्रयास किया जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टी विकास के नाम पर नगर में सरकार जरूर बना ली, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के किए गए विकास के दावों की हर जगह पोल खोल हुई दिखाई दे रही है। पिछले कई वर्षों से जर्जर हो चुकी पिंजरा पोल से मोचीपुरा चौराहे तक की सड़क के लिए लोगों ने कई बार चक्का जाम करते हुए निगम अधिकारियों व प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण करवाया था, जिसके बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विकास के नाम पर औपचारिकता निभाते हुए सड़क का भूमि पूजन करके जर्जर हो चुकी सड़क को खोद कर चले गए। और पिछले 2 माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद अब तक सड़क का निर्माण जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और ठेकेदारों की मनमानी के कारण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय रहवासियों को खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब बारिश भी सर पर मंडरा रही है, ऐसे में क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पहले तो थोड़ी बहुत सड़क थी उससे राहत मिल जाती थी, लेकिन अब तो पूरा मार्ग ही कच्चा एवं खुदा हुआ पड़ा है, जिससे वर्षा काल में और बुरे हालात हो जाएंगे। क्षेत्र के लोग अपने आप को कोसते हुए दिखाई देते हैं कि हमने क्यों विकास के नाम पर वोट देकर अपने ही हाथ से अपने नसीब को फोड़ लिए। राजीव गांधी सिविक सेंटर में नियमों के विपरीत हुई रजिस्ट्री का मामला था, हमने कहा नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े पार्षद इस मामले को लेकर मैं बयानबाजी करते आ रहे हैं। विपक्ष इस मामले में बयानबाजी करता है तो समझ में आता है, लेकिन सत्ता पक्ष के ही पार्षद जब अपने ही जनप्रतिनिधि नेताओं के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं तो बात अनुशासन की आ जाती है। सत्ता पक्ष से जुड़े ऐसे 3 से 4 पार्षद निरंतर राजीव गांधी सिविक सेंटर में नियमों के विपरीत हुई रजिस्ट्री को लेकर शासन के नुमाइंदों के खिलाफ निरंतर बयानबाजी करने के साथ अधिकारी और कर्मचारियों पर पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब तक लोकसभा चुनाव की वजह से संगठन इस मामले में मौन साधे हुए नजर आ रहा था। जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और मतगणना की तारीख करीब आने के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं ने भाजपा पार्षद दल की बैठक लेते हुए उनको अनुशासन में रहने की सीख दी, साथ ही अन्य भाजपा पार्षद जो विभिन्न मुद्दों को उठाने के साथ ही अपने ही संगठन को तार तार करने में लगे थे उनको भी पार्टी संगठन के नेताओं ने अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि किसी प्रकार की अधिकारी या अपने वरिष्ठ से नाराजगी है तो पार्टी संगठन को अवगत कारण जिस पर वह कार्रवाई करेगी, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं
उससे संगठन को नीचे देखना पड़ रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने भाजपा पार्षदों की बैठक लेकर बयानबाजी में संयम बरतने एवं पार्षदों के साथ अन्य भाजपा नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। देखना अब यह होगा कि संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मिली सीख के बाद नगर सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षद कितना संयम बरते हैं, या फिर संयम बरतने की बात कहने वाले नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की। स्तन कैंसर का स्टेज एक में या और भी पहले पता करने के लिए एक्सरे मोमोग्राफी की सुविधा महिलाओं के लिए महिला स्टाफ द्वारा। स्थान स्तन रोग क्लिनिक श्रद्धा हॉस्पिटल कारजू नगर रतलाम। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क सूत्र 8962647737 07412243777। गंभीर मरीज को इंदौर बड़ौदा ले जाने हेतु कार्डियक एम्बुलेंस किराए पर उपलब्ध। मॉनिटर ऑक्सीजन एवं ट्रॉली युक्त एसी एम्बुलेंस। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या नर्स भी साथ में जा सकते हैं। संपर्क सूत्र 9098985695 9039050603। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, साइंस बायोलॉजी मैथमेटिक्स कॉमर्स इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स आर्ट्स, बिग प्लेग्राउंड, नॉलेज लाइब्रेरी, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, साइंस लेबोरेटरी, योगा ट्रेनिंग, व्हीकल फैसिलिटी। माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ब्राह्मणों का वास, धान मंडी रतलाम। फोन नंबर 07412405348। फोन नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405348। बाजना रोड स्थित जामन पाटली के आगे तालाब में के युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने 5 दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, जामन पाटली पर गया था। युवक गहरे पानी में जाने के कारण वह डूब गया। जानकारी मिलने पर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। देर रात तक उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था। वह सुबह से ही पुलिस व गोताखोरों की टीम युवक को तलाशने में जुट गई थी। सुभाष नगर निवासी समीर पिता चांद खां अपने 5 साथियों के साथ 2 बाइक से रविवार की दोपहर शिवगढ़ गया था। वहां से लौटते समय सभी जामन पाटली क्षेत्र स्थित तालाब में नहाने के लिए चले गए। समीर गहरे पानी की ओर चला गया और डूब गया। शाम 7 बजे दीनदयाल नगर थाना पुलिस को घटना सूचना मिली। थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया बल सहित मौके पर पहुंचे। वही सूचना पर एसडीआरएफ की टीम के 9 सदस्य मौके पर पहुंची और समीर की तलाश शुरू की। देर रात तक टीम उसे रेस्क्यू करने में लगी रही, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। अंधेरा अधिक होने के कारण रेस्क्यू अभियान निरस्त किया। वहीं सुबह से टीम फिर से रेस्क्यू अभियान में जुट गई। दोपहर में रेस्क्यू टीम ने समीर का शव पानी से निकला व पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। छोटी छोटी बातों को लेकर मारपीट व हमले की घटनाएं हो रही है। 4 दिन पहले पुरानी रंजिश में सिलावटों का वास में युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं राजीव नगर दिलीप नगर क्षेत्र में आरोपित वहीद, साजिद, अकबर, वाजिद व उनके साथियों ने 23 वर्षीय दीपक पांचाल निवासी राजीव नगर पर तलवार से हमला कर दिया। दीपक के पिता नागेश्वर पांचाल बीच बचाव करने आए तो उन पर भी वार किए। हमले में पिता पुत्र घायल हो गए। हमला करने के बाद आरोपित धमकाते हुए भाग निकले। दीपक व उनके पिता नागेश्वर पांचाल को जिला अस्पताल ले जाया गया। दीपक पांचाल ने बताया कि बदमाश एक पुराने मामले में गवाही नहीं देने की बात कर धमका रहे थे। साथ ही धमकाने की बात भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और बदमाशों ने उस पर व उसके पिता पर तलवारों से हमला कर दिया। पुलिस प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। कुछ दिन हुआ था, हम दोनों बहुत बैठे बाहर बैठे थे, वो तलवार लेकर फूल नहीं थे, विवाद था उसके। वो तो अलग ही आदमी है, उसका देना देना नहीं है। अच्छा, ये फूल नशे में था और क्या मालूम क्या इसको सीधे
हम दोनों बाबा से बाहर बैठे थे, अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा हाँ, फिर ये सीधा आया, जैसे आया वो तलवार मारी, वो तो अच्छा करा कि तलवार मेरे लगी, अगर छोरे के लगती तो ये समझ लो कि वो ख़त्म थे। आपके बालक का क्या नाम? दीपक पांचाल। उनको भी लगी? हाँ, उसको भी लगी हाथ में। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तेईस तारीख की शाम को घर से दो घंटे का कहकर बाजार गई महिला की तीन दिन बाद मिली लाश। लाश मिलने के बाद पुलिस ने किया हत्या का प्रकरण दर्ज। पुलिस अधीक्षक ने रचना उपाध्याय की हत्या के मामले में किया खुलासा, दो आरोपी हुए गिरफ्तार। अवैध संबंधों को लेकर हुई थी रचना उपाध्याय की हत्या। विकास के नाम पर लोगों के साथ हुई ठगी। पिंजरा पोल से मोतीपुरा चौराहे तक सड़क की दयनीय हुई हालत। सड़क बनाने के नाम पर जो थी उसको भी ठेकेदार ने खोदा। महीनों से खुदी हुई सड़क कर रही ठेकेदार व जनप्रतिनिधि का इंतजार। बारिश में क्षेत्रीय रहवासियों को करना पड़ सकता है मुसीबत का सामना। रहवासी दे रहे विकास के नाम की दुहाई। दोस्तों के साथ झामन तालाब पर नहाने गए युवक की गहराई में चले जाने से डूबने के कारण हुई मौत। पुलिस व एनडीआरएफ के जवान करते रहे देर रात तक युवक की खोज। 18 घंटे बाद मिला युवक का शव।